मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक आपकी पहचान रहे। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी से मैं हूं सक्रिय संजय। मेरी ओर से आपको एवं आपके परिवार के सभी सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। आपका सेहत ऐसे ही बनाए रखेगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भेप चार्जिंग के दौरान, जो अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो जिनर डायोड यूज करते हो, कितने वोल्टेज का जिनर डायोड होना चाहिए। और कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है, सो थैंक यू कि आपने मुझे ये सब इतने सारे कमेंट्स दिए है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने वोल्टेज का जिनर डायोड जो है वो यूज होता है। जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये उसको लेके वो मैं आपको ये वीडियो के जरिए आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक के साथ कमेंट कीजिएगा। फिलहाल पैसे आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, भेप चार्जिंग के दौरान हम जब डायोड लगाते हैं तो ये डायोड क्यों लगाया जाता है वो समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे मोबाइल में चार्जर सर्किट कैसे काम करता है। उसके लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारे चार्जर है उस पर वोल्टेज आते हैं 5 to 6 वोल्टेज DC। जब हम मोबाइल में प्लगिंग करते हैं चार्जर को तो ये 5 to 6 वोल्टेज है ये मोबाइल की सर्किट में एक चार्जर इनपुट लाइन से होके सीधा चार्जर रेगुलेटर IC को मिलता है। ये चार्जर रेगुलेटर IC जो 5 to 6 वोल्टेज को बैटरी के जितने मतलब कि 3.7 वोल्टेज करीबन कन्वर्ट करता है DC वोल्टेज में और रेगुलेट बनाता है, और रेगुलेट बना के ये वोल्टेज सीधा बैटरी को दिया जाता है और तब जाके बैटरी चार्ज होता है। तो ऐसे एक फंक्शन रहता है चार्जर सर्किट का। तो आइए मैं आपको डीप में बताता हूँ कि ये कैसे पूरा सर्किट है वो वर्क करती है। तो सबसे पहले जब हम चार्जर के वोल्टेज इनपुट करते हैं तो चार्जर में दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वोल्टेज के लिए, जिसमें आप देख सकते हो ये उसका पॉजिटिव सिरा है और ये चार्जर कनेक्टर का ये सर्किट में नेगेटिव सिरा है। ये पॉजिटिव सिरे से वोल्टेज आप आगे ले जाओगे तो इस तरह से आगे ये लाइन जाता है ये पार्ट्स में। ये कंपोनेंट है उसका नाम फ्यूज़ है, जिसका कोड आप देख सकते हो F2000 जो फ्यूज़ है। फ्यूज़ में से ये वोल्टेज आगे जाता है, देखो ये कोयल में, ये कोयल है L2000। कोयल में से ये वोल्टेज आगे जाता है, ये एक जिनर डायोड इधर साइड में ग्राउंड किया होता है जो जिसका कोड है V2000, और एक ये साइड में कैपेसिटर ग्राउंड होता है जिसका कोड C2000 है। और वो दोनों पार्ट्स पैरेलल है और फ्यूज़ और जो कोयल है वो सीरीज का पार्ट्स है, उसमें से होते हुए ये वोल्टेज आगे सीधा आप देखोगे तो इस तरह से IC पे आएगा सीधा। देखो ये IC है, चार्जर रेगुलेटर IC है ये, उसकी दो नंबर की पिन पे वोल्टेज इनपुट हुआ G6 और H6 पे। ये IC वोल्टेज रेगुलेट करेगा। अभी हमने 5 to 6 वोल्टेज जो चार्जर में से ये दिया है, जो अभी मैंने आपको बताया वो चार्जर इनपुट लाइन है, इसमें करीबन 5.5 वोल्टेज इधर इनपुट हुआ चार्जर रेगुलेटर में। तो ये चार्जर रेगुलेटर है वो 5.5 वोल्टेज को 3.7 वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, और कन्वर्ट करने के बाद ये IC की K2 और K3 नंबर की जो पिन है वहाँ से ये लाइन आउटपुट हो जाता है, और ये 3.7 वोल्टेज यहाँ से आगे जाके एक ये रेजिस्टेंस में आता है। ये रेजिस्टेंस है R2200 जो 0.22 ओम्स का नॉर्मल ओम्स का रेजिस्टेंस होता है, जो शंट के तौर पे ये काम करता है, जो करंट को कंट्रोल करने के लिए ये सेफ्टी के लिए यूज होता है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस में से आगे आप ले जाओगे तो इस तरह से ये लाइन सीधा आगे देखो तो ऊपर सीधा बैटरी कनेक्टर के ये पॉजिटिव सिरे पे मिलता है, और बैटरी कनेक्टर का ये वाला सिरा जो है वो नेगेटिव है। तो इस तरह से हम जब मोबाइल में कोई चार्जर और प्लगिंग करते हैं तो इनपुट वोल्टेज चार्जर इनपुट लाइन में से ले होके सीधा हमारे रेगुलेटर IC में रेगुलेट होके हमारे बैटरी को मिलता है, और बैटरी तब जाके चार्ज होती है। तो इस तरह से एक चार्जर सर्किट वर्क करता है। कोई भी मोबाइल है उसमें जो इसका बेसिक फंक्शन है वो ऐसे ही रहता है कि हम जब वोल्टेज इनपुट करते हैं 5 to 6 वोल्टेज, ये वोल्टेज अगर ये वोल्टेज एक चार्जर रेगुलेटर को मिलता है और ये चार्जर रेगुलेटर उसको 3.7 वोल्टेज में कन्वर्ट करके बैटरी को दिया जाता है। बस फर्क रहता है तो उसका चार्जर रेगुलेटर का डिजाइन, किसी में कोई अलग डिजाइन का IC है, किसी में कोई बड़ा IC है, किसी में कोई छोटा IC है, मतलब कि उसका जो वर्किंग फंक्शन है वो सब में एक ही रहता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डायोड कहां से कहां लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। चार्जर के जो वोल्टेज है 5 to 6 वोल्टेज और चार्जर रेगुलेटर में से होके बैटरी को मैक्सिमम 4.2 वोल्टेज मिलता है और ये बैटरी चार्ज होती है। ऐसे एक सर्किट का डिजाइन रहता है हर एक मोबाइल में। तो कभी कभी मोबाइल में ऐसे फॉल्ट आ जाता है कि मोबाइल में चार्ज लगाने से चार्ज इंडिकेट सो तो हो रहा है लेकिन बैटरी करंट भर नहीं रही है। तो ऐसे केस आते हैं जो मोबाइल में फेक चार्ज
चार्जिंग का, तो उसमें से 90% टेक्नीशियन क्या करते हैं इसे फोल्ड को चार्जर कनेक्टर और बैटरी कनेक्टर के बीच में एक डायोड लगा के वोल्टेज को सीधा बाईपास कर देते हैं, मतलब कि डायरेक्ट बैटरी को दे देते हैं और ये फोल्ड सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डायोड लगा के ये सोल्व किया जाता है, ये एक फेक चार्जिंग का एक सही सोल्यूशन नहीं है ये बाईपास। अगर आपके पास कोई ऐसे फॉल्ट आता है जो चार्जिंग के डमी चार्जिंग के सोल्यूशन, तो उसके लिए जो मायने रखते हैं पार्ट्स, जो उसके लिए जो इश्यू रहता है वो चार्जर रहता है, चार्जर कनेक्टर, उसमें कार्बन आ जाने से, उसमें लूज कनेक्शन हो जाने से भी हो सकता है, हमारे चार्जर वोल्टेज इनपुट लाइन जो है उसमें कोई पार्ट्स लीकेज होने से, ओपन होने से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, चार्जर आउटपुट लाइन में जो कोई कंपोनेंट है लीकेज या शॉर्ट होने से भी हो सकता है, चार्जर रेगुलेटर आईसी है वो खराब होने से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, बैटरी कनेक्टर पे कार्बन आ जाने से या तो लूज कनेक्शन होने से या तो बैटरी खराब होने से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब चेक करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना है, तो ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये 90% लोग इसे ना करके वो बैटरी कनेक्टर और चार्जर कनेक्टर के बीच में एक डायोड लगा के सीधा उसको बाईपास करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाता है, लेकिन इसमें जो एक करंट कंट्रोलिंग जो सर्किट है वो नहीं बनती है, मतलब कि जो सेफ्टी रहती है वो नहीं रहती है, जो चार्जर को कंट्रोल करती है जब बैटरी फुली चार्ज हो जाता है तो चार्जिंग स्टॉप हो जाता है, ये इसमें नहीं होता है। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, बैटरी मैक्सिमम 4.2 वोल्टेज तक चार्ज होती है, तो ऐसे डायोड लगाने से हम चार्जर के डायरेक्ट वोल्टेज दे देते हैं, तो फिर क्या होता है कि 4.2 वोल्टेज से भी बैटरी को ज़्यादा टाइम अगर ऐसे ही चार्जिंग लगाते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि बैटरी फूलने का या तो बैटरी खराब होने का या तो मोबाइल में कोई फॉल्ट होने का भी चांस बढ़ जाता है और दूसरा कि बैटरी बैकअप भी अच्छा नहीं मिलता है। तो ज़्यादातर इस तरह से फॉल्ट जो बाईपास करते हैं उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सॉल्व करें। तो फिलहाल समझते हैं कि इसमें डायोड कहाँ से कहाँ लगाया जाता है और उसमें कितने टाइप के डायोड यूज़ किया जाता है और ये डायोड जो अगर झीना डायोड यूज़ करते हैं तो उसका कितना वोल्टेज कैपेसिटी है, तो चलिए मैं उसके बारे में मैं आपको आज बता दूँ। ये झीना डायोड और रेक्टिफायर डायोड जो यूज़ होते हैं जो फेक चार्जिंग सॉल्यूशन में, इस तरह से कोई डायोड आप लगा सकते हो। डायोड में दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं एक नेगेटिव होते हैं, उसका बॉडी पे उसका सिंबल दिया होता है। देखो आप देखोगे तो इसमें इस टाइप का इधर ये सिंबल दिया है, मतलब ये उसका नेगेटिव सिरा है तो सामने वाला उसका कोई पॉजिटिव सिरा है। ये ब्लैक वाला रिंग इधर दिया है तो मतलब ये इसका नेगेटिव है, सामने वाला उसका पॉजिटिव है। इधर आप सिल्वर कलर का रिंग देख रहे हो तो इधर ये नेगेटिव है उसका, ये पॉजिटिव है, तो मतलब इस तरह से कोई भी डायोड है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव का पहचान हो सकता है। ये जो फेक चार्जिंग में हम डायोड यूज करते हैं दो टाइप के डायोड होते हैं, एक झीना डायोड होते हैं और एक रेक्टिफायर डायोड यूज किया जाता है। तो आइए मैं दोनों डायोड के वर्क के बारे में आपको बता देता हूं कि डायोड कैसे वर्क करता है। सब करेंगे रेक्टिफायर डायोड की, तो ये एक सिंबल है रेक्टिफायर डायोड का, आपके सामने देख सकते हो। रेक्टिफायर डायोड के दो कॉन्टेक्ट होते हैं, उसमें से एक कॉन्टेक्ट है उसका नाम है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव को एनोड और नेगेटिव को कैथोड भी बोला जाता है। रेक्टिफायर डायोड कैसे वर्क करता है वो मैं बता देता हूँ। अगर कोई रेक्टिफायर डायोड है, देखो तो ये डायोड के ये सिंबल पे आप ये तीर जैसा सिंबल दिख रहे हो इधर, तो इसका ये नेगेटिव साइड का सिरा हो जाता है और ये इसका पॉजिटिव साइड का सिरा हो जाता है। रेक्टिफायर डायोड में आप देखोगे तो उसमें इसका वर्क ऐसे है कि कोई भी डायोड है वो फॉरवर्ड बायस करंट पास कर सकता है, रिवर्स बायस करंट पास नहीं कर सकता है। फॉरवर्ड बायस मतलब कि उस डायोड का जो भी सिरा है वैसे ही आप अगर उसको करंट देते हैं तो अपने आप में से वो करंट को पास कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये इसका पॉजिटिव सिरा है तो अगर हम इधर कोई पॉजिटिव करंट देते हैं तो उसमें से पास हो जाता है। मान लीजिए कि इधर हम 12 वोल्टेज का सप्लाई पॉजिटिव दिया है, उसका करंट दिया है, तो पॉजिटिव सप्लाई पे जब हम पॉजिटिव करंट देते हैं तो एक फॉरवर्ड बायस बनता है, डायोड में से एक करंट पास होकर सामने के सिरे से वो आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो मतलब इधर भी आपको पॉजिटिव जो 12 वोल्ट का करंट है वो आपको मिल जाएगा। अगर हम नेगेटिव कॉन्टेक्ट पे नेगेटिव सप्लाई देते हैं, मान लीजिए कि 12 वोल्ट इधर नेगेटिव करंट हम देते हैं, इधर इनपुट करते हैं, तो भी वो सामने के सिरे से इधर नेगेटिव सप्लाई को आपको आउटपुट दे देगा। मतलब कि डायोड फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव सिरे पे अगर पॉजिटिव सप्लाई दिया जाए या तो नेगेटिव सिरे पे अगर नेगेटिव सप्लाई दिया जाए तो वो अपने आप में से करंट को पास कर सकता है, उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। और रिवर्स बायस के जो सिरा है उससे अपोजिटिव मतलब जो सिरा उसे उल्टा करंट देते हैं हम, तो वो करंट अपने आप में से पास नहीं कर सकेगा। मतलब कि मान लीजिए कि ये पॉजिटिव सिरे पे हम 12 वोल्ट नेगेटिव करंट देते हैं तो उसके सामने
सामने के सिरे से कोई भी करंट आपको नहीं मिलेगा, या तो आप नेगेटिव सिरे से कोई पॉजिटिव सप्लाई दोगे तो भी सामने नहीं जाएगा। मैं आपको एक सर्किट के तौर पे बताना चाहूँगा उसको। आप देख सकते हो दो टाइप की डायोड से सर्किट बन सकती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या है, देखो एक बल्ब है, एक बैटरी है और एक डायोड है। इधर आप देख सकते हो कि हमारे जो बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज है एक बल्ब को डायरेक्ट एक सर्किट में सीधा दे दिया देखो, और उसका नेगेटिव सिरा है वो हमने एक डायोड को दिया है, डायोड के कैथोड को दिया है, और ये डायोड है उसका नेगेटिव सिरा है, तो नेगेटिव वोल्टेज देने से वो अपने आप में से पास कर सकता है और ये बल्ब को मिल जाएगा, ये करंट मतलब सर्किट पूरा हो जाएगा और ये बल्ब आपका वर्क करने लगेगा। इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। ऐसे ही सर्किट में हम डायोड उसको उल्टा लगा देते हैं, मतलब कि इस तरह से लगा देते हैं रिवर्स बायस पोजीशन में, तो क्या होता है, देखो पॉजिटिव करंट तो ये बल्ब को मिलेगा ही, लेकिन नेगेटिव जो करंट है वो हम एनोड पे दे रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव डायोड का सिरा है और हम वहाँ करंट नेगेटिव दे रहे हैं, तो मतलब कि ये डायोड करंट को पास नहीं कर सकता है, इधर ये करंट रोक जाता है, ये सिरे पे नहीं आ सकता है, मतलब ये बल्ब काम नहीं करेगा, इधर सर्किट पूरा नहीं हो सकता है। मतलब कि ये डायोड ही एक ऐसा पार्ट्स है जो वन वे का काम करता है, एक साइड को करंट को पास करने देता है, दूसरे साइड को करंट को पास नहीं कर सकता है। इस वजह से ये डायोड का इस्तेमाल ज़्यादातर रेक्टिफायर एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, और रेक्टिफायर में उसका बहुत मायने होता है ये डायोड, जिसको रेक्टिफायर डायोड भी बोला जाता है। दूसरा डायोड आता है जीना डायोड, उसका वर्किंग के बारे में मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। सर्किट के जरिए मैंने जीना डायोड कैसे वर्क करता है वो बताने का कोशिश किया है। देखो आप देख सकते हो इधर एक पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई लाइन है, उसमें एक रजिस्टर लोड रजिस्टर नॉर्मल ओम्स का रजिस्टर हमने रखा है, और एक डायोड लगा दिया है वो भी जीना डायोड। ये जीना डायोड का सिंबल इधर बनाया है, और आप देख सकते हो जीना डायोड और रेक्टिफायर दोनों के सिंबल में क्या डिफरेंस है। जीना डायोड इधर नेगेटिव सिरे पे ये आपको जेड जैसा ये सिंबल आपको दिखाई देगा, मतलब कि ये जीना डायोड है। अगर ऐसे खड़ा लाइन सीधा होता है तो मतलब ये रेक्टिफायर डायोड है, ऐसे जेड जैसा सिंबल आपको दिखाई दिया तो मतलब ये जीना डायोड है। और जीना डायोड कोई भी सर्किट में अगर लगाया जाता है तो वो हमेशा पैरेलल पार्ट्स ही होता है। अगर रेक्टिफायर डायोड है तो सीरीज में लगा होता है, और जीना डायोड है तो हमेशा पैरेलल, मतलब कि उसका एक सिरा पॉजिटिव वोल्टेज के लाइन में होता है और उसका एक दूसरा सिरा नेगेटिव लाइन में होता है, और वो भी रिवर्स बायस लगाया जाता है। रिवर्स बायस मतलब कि पॉजिटिव सप्लाई की लाइन में उसका नेगेटिव सिरा होता है, और नेगेटिव सिरा जो सप्लाई लाइन है उसमें उसका पॉजिटिव सिरा होता है, तब जाके ही ये जीनर का काम करता है। एक्चुअली जीनर डायोड का वर्क है वो वोल्टेज को डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, पावर सप्लाई में उसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है। जे ये डायोड कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये जो हमारे डायोड है वो 5 वोल्टेज का जीना डायोड है, मान लीजिए ये 5 वोल्ट जेड मतलब 5 वोल्टेज का जीना डायोड उसका कैपेसिटी है। जीना डायोड मार्केट में अगर खरीदने जाओगे तो वो आपको उसके कैपेसिटी के हिसाब से लेना होगा, वोल्टेज कैपेसिटी जितना वोल्टेज का आपको डायोड चाहिए वो बोलना है, 4.2 वोल्टेज, 5.5 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, जितना कैपेसिटी का आपको अगर डायोड चाहिए तो ये बोलना है। और रेक्टिफायर अगर मार्केट में खरीदने जाना है तो उसके बॉडी पे कोई नंबर है, वो नंबर और उसके करंट कैपेसिटी के हिसाब से उसका मार्केट में खरीदी हो सकता है और उसको पहचाना जाता है। तो फिलहाल मान लीजिए कि ये 5 वोल्टेज जीना डायोड है वो क्या वर्क करेगा, हमारा ये एक सप्लाई है जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको इधर 5 वोल्ट रेगुलेट चाहिए, 5 से बढ़ना नहीं चाहिए देखो, और वोल्टेज कभी कभी 6 आ जाता है, कभी 7 आ जाता है, मतलब कि वेरिएशन वाले वोल्टेज आते हैं, तो ये वेरिएशन वाले 6, 7, 5, 4 ऐसे इनपुट वोल्टेज होते हैं, उसमें हम अगर ऐसे जीना डायोड लगा देते हैं तो ये जीना डायोड से क्या होता है कि ये जीना डायोड का कैपेसिटी 5 वोल्टेज का है, तो ये जीना डायोड ऐसे वर्क करेगा कि उसके रिवर्स वोल्टेज उसकी कैपेसिटी से अगर बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि ये 5 वोल्टेज का जीना डायोड है और इधर 6 वोल्टेज आ जाता है रिवर्स नेगेटिव सिरे पे, तो वो अपनी कैपेसिटी से जितना वोल्टेज बड़ा है वही वो पास कर सकता है, मतलब कि ये कैपेसिटी इसका 5 है और 6 वोल्टेज हम इधर देते हैं तो इसकी कैपेसिटी से 1 वोल्टेज बढ़ गया है, तो एक ही वोल्टेज और उसके पॉजिटिव सिरे से ये नेगेटिव सप्लाई में दे देगा, मतलब ग्राउंड कर देगा, तो इधर कितना बचेगा, सिर्फ 5 वोल्टेज ही आएगा, मतलब कि वोल्टेज बढ़ने नहीं देगा। अगर इधर 7 वोल्टेज मान लीजिए कि हो जाता है तो ये डायोड की कैपेसिटी से 2 वोल्टेज बढ़ गए, मतलब कि 2 वोल्टेज को ही ये लीकेज करेगा, मतलब वो पास करेगा, बाकी वोल्टेज है वो सब आपको इधर
रह जाएगा फिर 5 वोल्टेज, तो मतलब कि बड़े हुए वोल्टेज को कम कर सकता है लेकिन कम हुए वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकता। जैसे कि इधर 4 वोल्टेज हो जाते हैं तो वो बढ़ा के 1 वोल्टेज बढ़ा के 5 नहीं कर सकता है, लेकिन बढ़ता है वोल्टेज को उसको कम करके वो रेगुलेट कर देता है। मतलब उसका काम है जब हम इनपुट वोल्टेज अनरेगुलेट देते हैं, वेरिएशन वाले वोल्टेज देते हैं, तो उसका आउटपुट वोल्टेज जो आपको मिलेगा वो परफेक्ट आपको रेगुलेट मिलेगा। मतलब कि उसका जो वेरिएशन है वो वेरिएशन को वो रोकता है। तो इस तरह से ये पावर सप्लाई भाग में ये डायोड का इस्तेमाल होता है। तो मतलब कि जिनर डायोड अगर सर्किट में रिवर्स बायस लगाया जाता है तो ही वो जिनर का काम करता है। अगर जिनर डायोड को हम फॉरवर्ड बायस लगाते हैं तो वो एक रेक्टिफायर की तरह ही काम कर सकता है। उसमें कोई भी वोल्टेज कैपेसिटी का है तो वो मतलब रेक्टिफायर जितने वोल्टेज उसको पॉजिटिव सिरे पे देते हैं वो पूरा वोल्टेज को पास कर देता है, और नेगेटिव सिरे पे अगर हम नेगेटिव जितने देते हैं तो वो भी पूरा उसमें से पास कर देता है। मतलब कि रिवर्स बायस जब तक ये डायोड न लगे तब तक ये जिनर का कोई काम करेगा नहीं। तो ये डायोड इस तरह से रिवर्स बायस लगाने से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो वोल्टेज बढ़ता है तो बढ़े हुए वोल्टेज को ही वो पास कर सकता है। तो इस तरह से जिनर डायोड वर्क करता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जिनर डायोड और रेक्टिफायर डायोड कैसे वर्क होता है। और रही बात हमारे चार्जर सर्किट की, तो मैंने आपको बोला था कि कितने वोल्टेज का जिनर डायोड यूज़ करना है। तो अभी मैंने आपको बताया, उस हिसाब से हम देखें तो उसमें जिनर डायोड की कोई वोल्टेज कैपेसिटी देखनी नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें हम जिनर डायोड जो लगाते हैं वो एक सीरीज में लगाते हैं तो वो एक रेक्टिफायर का ही काम करेगा। तो इस हिसाब से हम कोई भी जिनर डायोड लगा सकते हो। आइए मैं बताता हूँ ये डायोड कहाँ से कहाँ सर्किट में हम लगा सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं ये डायोड कैसे कोई भी मोबाइल में यूज़ किया जाता है, लगाया जाता है। तो उसके लिए कोई भी डायोड, अगर जिनर डायोड है या तो रेक्टिफायर डायोड है, उसका पॉजिटिव जो कॉन्टेक्ट है वो चार्जर कनेक्टर के पॉजिटिव, मतलब कि जहाँ 5-6 वोल्टेज जो चार्जर के पॉजिटिव वोल्टेज है चार्जर कनेक्टर के, वहाँ लगाना होता है। और उसका नेगेटिव सिरा है जो डायोड का, वो बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव सिरे पे लगाना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक डायोड है, ये डायोड को हम ये मोबाइल में बैटरी कनेक्टर और चार्जर कनेक्टर के बीच में फॉरवर्ड बायस लगा के देखते हैं। देखो तो ये डायोड जो है ये चार्जर कनेक्टर का पॉजिटिव सिरा है, वहाँ से डायरेक्ट एक लाइन लेके ये हम दे देते हैं डायोड के पॉजिटिव सिरे पे, और डायोड का ये जो नेगेटिव सिरा है वहाँ से लाइन लेके सीधा हम दे देते हैं बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव सिरे पे। तो इस तरह से कोई भी डायोड है वो लगाया जाता है। अगर आपने डायोड रिवर्स बायस लगा दिया तो आपका ये फॉल्ट है वो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए आपको ये डायोड है इस तरह से सही फॉरवर्ड बायस लगाना है। जब हम कोई डायोड को वोल्टेज इनपुट करते हैं तो जितना वोल्टेज हम इनपुट करते हैं उससे वो मैक्सिमम 0.5 वोल्टेज है वो ड्रॉप करता है, मतलब कि उसमें से 0.5 वोल्टेज कम आउटपुट है वो निकालता है। मान लीजिए कि हमने अभी ये डायोड में 5.5 चार्जर के वोल्टेज इनपुट किए तो उसमें से ये डायोड में से आउटपुट 5 वोल्टेज के करीबन आउटपुट मिलेगा, 0.5 वोल्टेज का ये रेजिस्टेंस बनाता है तो फिर बैटरी को 5 वोल्टेज मिलेगा। तो मैं तो ये बोलूँगा आप एक डायोड ऐसे लगाने से बेहतर है आप 2 डायोड सीरीज में ऐसे लगाओ, तो उसमें क्या है कि आप फिर 5.5 वोल्टेज इनपुट करोगे तो उसमें से एक डायोड 0.5 वोल्टेज रेजिस्टेंस बनता है, मतलब कि 2 डायोड मिलके 1 वोल्टेज कम कर देता है, तो फिर बैटरी को 4.5 वोल्टेज के करीबन मिलता है, तो मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आएगी और ऐसे ही सेफ्टी आपका बना रहेगा। तो बेहतर है आप एक डायोड की जगह 2 डायोड आप ऐसे लगा सकते हो। तो इस तरह से डायोड लगा के आप अपना बैटरी चार्ज का फॉल्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हो। और बात रही डायोड यूज़ करने की, तो आप कोई भी डायोड यूज़ कर सकते हो, अगर जिनर डायोड है या तो रेक्टिफायर डायोड है। और जिनर डायोड है तो उसका कोई मान ऐसे तो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल ऐसे आप कोई भी डायोड लगा सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हमने ये तो देख लिया कि डायोड कैसे लगाया जाता है और कौन सा डायोड लगाया जाता है और कितने वोल्टेज कैपेसिटी का डायोड है वो वहाँ लगाया जाता है, लेकिन आज मैं एक और क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ कि ये डायोड ही क्यों यूज़ होता है। मान लीजिए कि वोल्टेज अगर कम ही करना है, मेन चार्जर है उसमें वोल्टेज आते हैं 5-6 वोल्टेज आते हैं और बैटरी की रिक्वायरमेंट है 4.2 वोल्टेज मैक्सिमम, तो अगर हम बीच में इसे रजिस्टर लगा के भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना, तो उसमें हम रजिस्टर लगा के भी वोल्टेज कम करके भी हम
अच्छा काम ले सकते हैं, लेकिन नहीं कोई रजिस्टर, नहीं कोई क्वाइल, कोई और पार्ट्स नहीं, डायोड ही क्यों यूज होता है आप सोचिएगा। मैंने आपको इस वीडियो में एक क्वेश्चन किया है कि ये डायोड ही क्यों यूज होता है, क्यों नहीं कोई और पार्ट्स यूज होता है, और उसके भी चार ऑप्शन में देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन हमारा ये है कि क्या ये डायोड वोल्टेज को फिल्टर करता है, दूसरा ये डायोड वोल्टेज को कम करने के लिए यूज होता है, तीसरा ये डायोड वोल्टेज को रिवर्स बायस नहीं करता है, और चौथा डायोड से करंट ज्यादा मिलता है। तो इस चार ऑप्शन का सही सही आप कोई आंसर आपको इसमें से चुनना है और मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में आपको ये लिखना है। ये आप लिखिएगा जरूर, क्योंकि आप लिखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कोई मेरी बात सुनने वाला है। तो प्लीज़ आप कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत डीप में कि ये डायोड ही क्यों लगाया जाता है, क्यों और कोई पार्ट्स नहीं लगाया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।